अब यहां पर हम एक बहुत अहम बात देखते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं अरे अगर नई चीज नहीं आ सकती तो हज करने जाते हो तो ऊंट पर बैठ के जाओ, एरोप्लेन से क्यों जाते हो, मोबाइल पे क्यों बात कर रहे हो, हाँ मोबाइल भी छोड़ो, लैपटॉप छोड़ो, ये माइक पे क्यों बयान दे रहे हो, डायरेक्ट चिल्ला चिल्ला के बयान दो, अब क्या बोले। तो इसीलिए मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूं, फॉर्मूला अगर आप सब ध्यान देंगे आप ये फॉर्मूला समझ करके इंशाल्लाह किसी को बता सकते हो। मेरे भाइयों ये फॉर्मूला में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है दुनिया के ताल्लुक से, एक हिस्सा है दीन के ताल्लुक से, इबादत के ताल्लुक से। दुनिया के ताल्लुक से कायदा यह है हर चीज हलाल है जब तक साबित ना हो जाए कि हराम है, हर चीज जायज है दुनियावी मामलात में। इसकी दलील सूरह बकरा की आयत है, सूरह 2 आयत नंबर 29। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्दी जमीआ, अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन पर है, जो कुछ जमीन पर है। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे लिए तो बनाया, मैंने किसके लिए बनाया, तुम्हारे लिए तो बनाया मैंने। अब जमीन पर मोबाइल मिला हमारे लिए बनाया, जमीन पर एरोप्लेन मिला हमारे लिए बनाया, जमीन पर लैपटॉप मिला हमारे लिए बनाया, जमीन पर माइक मिला हमारे लिए बनाया। अब ये कपड़ा पॉलिएस्टर किस्म का है, टेरिकॉट है, कोई डेनिम पहना हुआ ये बच्चा, भाई कौन सी हदीस में दिया है डेनिम पहन सकते हैं। अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए तो बनाया जो कुछ जमीन पर है। हाँ ये लाइट, ये वाली लाइट, अभी ये सफेद लाइट आ गई, एलईडी लाइट, कम पावर खाती है, लाइट अच्छी देती है, ये कौन सी हदीस में दिया है एलईडी लाइट यूज कर सकते हैं, तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन पर है। लेकिन जमीन पर शराब भी मिला तो कुरान में अल्लाह ने बता दिया कि शराब पीना हराम है, क्लियर कट। तो जमीन पर जो कुछ मिलता है हर चीज हलाल है जब तक साबित ना हो जाए हराम। मतलब कोई कहे कि भाई लकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पॉलिश लगा सकते हैं, ये पेंटिंग कर सकते हैं, ये फूल प्लास्टिक के आ गए आजकल, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी हदीस में दिया है, तो जमीन पर है ना, जब तक हराम साबित नहीं होगा हलाल है। तो दुनियावी चीजों के अंदर ये कायदा है। लेकिन इबादत के अंदर अब कल कोई कहे मैं सर पे हाथ बांध के नमाज पढ़ूंगा, कौन सी हदीस में दिया है सर पे बांध नहीं सकते, तो नहीं हम कहेंगे कौन सी हदीस में दिया है सर पे बांध सकते। इबादत के अंदर हर चीज मना है, हर चीज हराम है जब तक साबित ना हो जाए हलाल। या क्या याद रखेंगे, इबादत के अंदर दीन में हर चीज हराम है जब तक साबित ना हो जाए हलाल। अपनी अकल और मर्जी से हम लोग नहीं ला सकते। इसके लिए मैं आपको 5 दलील देना चाहता हूं, जो मैंने कहा ना 5 बताऊंगा, 5 दलील, और अगर आप सब थोड़ा सा साथ देंगे ना तो इंशाल्लाह सबके सबको 5 दलील याद हो जाएगी इंशाल्लाह, ताकि आपके सामने कल कोई अगर ऐसी बात कहे तो आप खुद बता सकते हो इंशाल्लाह। पहली दलील सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द, जो इस दीन में कोई ऐसी चीज लाएगा जो साबित हिस्से में से नहीं है वो चीज रद्द हो जाएगी, वो चीज रिजेक्ट हो जाएगी, वो चीज मर्दूद है, रिजेक्टेड है। तो दीन में क्या मामला है, जो साबित है वो कबूल है, साबित नहीं है ना फहुआ रद्द, इट इज रिजेक्टेड, वो चीज रद्द है। तो मेरे भाइयों इतना अभी याद करो, फहुआ रद्द, फहुआ रद, पूरी हदीस याद करते तो और अच्छा था, लेकिन इतना तो अभी याद कर सकते हो, फहुआ रद, बोलिए फहुआ रद। कोई कहे कि दीन में नई चीज आएगी, कहे कह देना दीन में कोई ऐसी चीज लाएगा जो साबित हिस्से में से नहीं है फहुआ रद, वो चीज रद है, रिजेक्टेड है, मर्दूद है।